दोस्तों मैंने देखा ये है कि बहुत सारे लोग जो है ना वो लोन के चक्कर में परेशान हैं भाई। ये लगा लीजिए कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इंडिया में 85% ऐसे लोग हैं ना कि जिन पे कर्ज है। बोले तो किसी के पास 2 लाख है, किसी के पास 1 लाख है, किसी के पास 5 लाख है, किसी के पास 10 लाख है, किसी के पास करोड़ है, मतलब कर्ज में वो है। तो भाई ये जो होता है, जो चेन चलती रहती है साइकिल की, तो भाई ये आखिर ये होता क्यों है? तो आप सभी लोगों को मैं बताता हूँ। अगर मान के चलिए कि आपको शादी करना है, चाहे अपना ही शादी करना है, तो अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप ये सोचोगे कि चलो यार पैसा नहीं है यार, लोन ले लेते हैं। तो भाई अगर आप ड्यूटी करते हो, अगर आपके अकाउंट में सैलरी आती है, हर महीना 15,000 आती है, तो आपको पर्सनल जो बैंक वाला है वही 2-2.5 लाख रुपये पास कर देगा। भाई जैसे ही वो पास कर देगा तो भाई वो अपना साल का 10,000-20,000 जो भी है वो ब्याज भी लेगा। अगर आप जैसे ही भर देते हो तो भाई आपने 2 लाख लिया है तो फिर वो 4 लाख देगा, फिर 4 लाख अगर आपने भर दिया तो फिर 8 लाख देगा। ऐसे करते करते भाई आपको लट लग जाएगी लोन लेने की, और लोन लेकर कभी आप भाई गाड़ी खरीदोगे, कभी आप घर बनवाओगे, कभी आप कुछ करोगे, कभी आप कुछ करोगे। तो भाई एक दिन ऐसा नौबत आ जाता है कि आपके घर में कोई ना कोई बीमार होता है, कोई ना कोई समस्या में आता है, तो आप बहुत समस्या में हो जाते हैं। आपके पास EMI चुकाने का ये लगा लीजिए कि बिल्कुल भी पैसे नहीं होता है, और आप प्रेशर में आ जाते हैं, और बैंक के जो लोन के जो रिकवरी वाले जो टीम है वो परेशान करने लगते हैं, टॉर्चर करने लगते हैं। वो कहते हैं कि भैया भरो, आपका सिविल उविल डाउन कर देते हैं। भाई बहुत परेशान करते हैं, इतना परेशान करते हैं कि भाई मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा 1-2 बार हो चुका है। तो भाई आप सभी लोगों को मैं बस ये रिक्वेस्ट करूँगा कि देखो भाई, अगर आपको कोई इमरजेंसी है, बोले तो अगर आपके बेटी का शादी करना है, चाहे आपके बहन का शादी करना है, चाहे आपको मेडिकल कोई ऐसी कंडीशन है, उसी टाइम आपको लोन लेना चाहिए, अन्यथा आप लोन से बचें। भाई अगर आप लोन ले लेते हैं तो भाई माइंड का पूरा दही बन जाता है, निम्न प्रकार की समस्याएँ आती हैं। और भाई जो भी बंदा इस ट्रैक में फंसा है भाई, ना तो अच्छे से रोटी खा पाता है, ना अच्छे से भाई कपड़े पहन पाता है, ना अच्छे से वो जी पाता है, निम्न प्रकार की समस्याएं, कुल मिला के हमेशा डिप्रेशन में जीता है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई ये जो कर्ज होता है ना, जितना हो सके इससे दूर रहो। बहुत सारे जो भाई 18 साल के हैं, 17 साल के हैं, 15 साल के हैं, 20 साल के हैं, भाई करते क्या हैं कि जैसे ही वो बाहर जाते हैं EMI पे, लगा लीजिए कि उनकी कमाई तो है करीब 10,000 की, और लेकिन वो 20,000 का मोबाइल EMI पे ले लेते हैं। भाई ये सोचो कि यार 3-4 हज़ार रुपया वो किस्त भरेगा, 2-3 हज़ार रुपये वो खा जाएगा, 1-1 हज़ार रुपये उसके मोबाइल का खर्चा वो घर पे देगा कि किस्त भरेगा, मतलब परेशान रहता है। कुल मिला के भाई मैं आसपास लोगों को देखता हूँ, बहुत सारे परेशान हैं। काफ़ी ऐसे सिचुएशन आ जाती है कि लोग अपना खुद का घर छोड़कर भाग जाते हैं और यहाँ वहाँ भटकने लगते हैं। तो भाई ये बहुत सारे ऐसे लड़के हैं सर्कल में हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई इस टॉपिक पे एक ब्लॉग बनाया जाए, भाई लोगों को आगाह किया जाए। क्योंकि भाई आज मैं कंपनी में ड्यूटी कर रहा था और मेरे पास ये लगा लीजिए कि फ़ोन आया सुबह सुबह 7 बजे, नहीं 7 बजे नहीं, सुबह सुबह 8 बज के करीब 10 मिनट पर फ़ोन आया, और मुझे ये कहा गया कि सर आपने जो लोन लिया था वो ये लगा लीजिए कि अब वो कम हो गया है, उसको सेटल करके अगर आप लेंगे तो भाई 1 लाख रुपए तक आपको मिल जाएगा। तो भाई मैंने कहा कि देख भाई, मैं सोच समझ के मैं बताऊंगा, तो भाई इसके चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। भाई सच बता दूं, मैं 1 साल से मैं खुद परेशान हूँ, निम्न प्रकार की समस्याएँ हैं, मैं एक ही वीडियोज में आप लोगों को शेयर नहीं कर सकता, बता नहीं सकता। बस इतना कहूँगा कि देखो भाई, अगर आपको इमरजेंसी है, आपको बहुत प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी कंडीशन है, उसी टाइम कर्ज लो, अन्यथा भाई जितना हो सके उतना कर्ज से दूर रहो यार। क्योंकि नमक रोटी आप खाकर अच्छे से जी सकते हैं, लेकिन ये जो EMI के चक्कर में जो भी व्यक्ति फंस जाता है, चाहे बिजनेस का लोन लिया है, चाहे पर्सनल लोन लिया है, चाहे कुछ भी लिया है, भाई फंस जाता है एक बार आदमी ना, तो हमेशा फंसा ही रहता है यार, 8-9-10 साल फंसा ही रहता है, और बैंक वाले भाई परेशान करके रख देते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके लोन से बचे। अगर आपको इसी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो भाई बाकायदे कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, ताकि ऐसी कोई भी मैं वीडियोज़ बनाऊँ
तो आप तक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।